नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश में अब भी ओलावृष्टि का दौर जारी है। बालाघाट क्षेत्र के कई इलाकों में बीते रोज ओलावृष्टि की खबरें सामने आई, जहां कई किसानों की फसलें तबाह होने के समाचार मिल रहे हैं। किसानों की फसलें खराब होने की सूचना मिलने के बाद बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है और ओला प्रभावित खेतों में जाकर खुद फसलों की हालत देखी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान झूठी ग्राम झूठी में बनाए गए बांध का निरीक्षण भी किया और पर्यटन की संभावनाएं भी तलाशी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर झूठी से डाली जा रही एक सड़क का निरीक्षण भी किया। जो आने का उद्देश्य था वो ओला प्रभावित जो कृषक हैं, जो खेत हैं, उनको देखना था, फसल का कितना नुकसान हुआ है वो देखा। उसके बाद झूठी डैम पर भी आने का एकदम से प्रस्तावित था। झूठी डैम में क्या क्या संभावना है टूरिज्म को लेकर और सिंचाई को लेकर। जब एक बहुत बड़ी समस्या इसमें आती है वो है कि सिल्टिंग बहुत हो गई है। डिसल्टिंग के लिए क्या क्या सकता है, बस यही देखने के लिए मैं आया था और कृषि विभाग से और अपना सिंचाई विभाग से बात करके इसकी डिसल्टिंग की तैयारी की जाए। नहीं, जैसे ग्रामीण जनों की मांग है कि इस झूठी बांध को पर्यटक स्थल का दर्जा मिले, ताकि यहाँ पर रोजगार के मूलक कार्यक्रम हों, इससे व्यवसाय यहाँ के रोजगार ग्रामीणों को मिले, उस संबंध में आपके क्या प्रयास होंगे? अपने आप में ही एक पर्यटन स्थल है, इसका विकास जो संभावना है उसका एक बार प्रयास किया जाएगी। इसके विकास के लिए यदि हम लोग मांग करेंगे राशि की, यदि व्यवस्था होती तो इसका विकास किया जाए। जैसे यहाँ पे पहुँचने के लिए एक मार्ग की ज़रूरत है, बोटिंग की ज़रूरत है, अगर पर्यटक होता है। मैं आपसे वही बोलता हूँ कि कई सारी जगहों पर हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिनमें जहाँ पर्यटन की संभावना है उन जगहों पर कंसल्टेंट को हायर करके और हम लोग शासन से मांग करेंगे। शासन से यदि राशि प्राप्त होती है तो उसमें विकास कार्य किया जाए।